एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है, एक दो दिन में आप देख रहे होंगे कि क्या नीट का पेपर, नीट 2022 का पेपर एनसीईआरटी से नहीं आएगा कि आएगा, क्या इश्यूज हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि आप कुछ बताइए, क्योंकि हम आप पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, आप कुछ बताइए। तो देखिए, जब ये पहली बार ऐसे नहीं हुआ है विवाद, ये चलता रहता है। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे वैसे वैसे ये विवाद चलता रहता है, राइट। अच्छा, आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि एग्ज़ाम में बस महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं, 15-20 दिन मान लीजिए, राइट। 15-20 दिन में क्या एनटीए आपको बताएगा कि आपके पेपर जो है एनसीईआरटी से बाहर आएंगे, आपका सिलेबस बदल गया है ना, अब आप एनसीईआरटी के बेस पे तैयारी नहीं कर सकते हैं? तो आपका आंसर खुद ही समझ में आ जाएगा, है ना। कमेंट करके बताइए आपका आंसर, राइट। तो ऐसा नहीं हो सकता, इट्स नॉट ऑप्टिकली पॉसिबल कि आप 20 दिन पहले मुझे अपडेट देंगे कि भाई तुम जो पढ़ रहे हो वो बिल्कुल गलत है, अब दूसरे बुक से पढ़ना शुरू कर दो। ऐसा बिल्कुल और हरगिज नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो एक साल पहले अपडेट आता। तो अब क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे जो क्लिप दिखाए जा रहे हैं कि एनटीए ने सिलेबस जारी किया, उस सिलेबस में लिखा है कि दो चैप्टर ऐसे हैं, और चैप्टर का मैं नाम लिख देता हूँ, जो दो चैप्टर ऐसे हैं जैसे मॉर्फोलॉजी और मूवमेंट एंड लोकोमोशन। दो चैप्टर ऐसे हैं जिससे ये लोग बाहर से प्रश्न पूछने वाले हैं। अब प्रश्न उठता है कि मॉर्फोलॉजी तो ऐसे ही हमें समझ में नहीं आता है, उसके एग्जाम्पल तो ऐसे ही याद नहीं होते हैं, अब इससे क्यों बाहर से प्रश्न पूछेंगे, है ना। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हमसे याद ही नहीं होते हैं, और मूवमेंट एंड लोकोमोशन में भाई साहब मसल तो भूल ही जाओ, मसल तो समझ ही नहीं आता, बोन वोन तो बड़े ही मुश्किल से याद करते हैं, और वो प्रोसेस उससे पूछ लिया जाए कि ग्लेनोइड कैविटी क्या है, क्रोमियन प्रोसेस क्या है, जॉइंट्स के कितने सारे एग्जाम्पल हैं, तो ऑलरेडी दोनों चैप्टर इतने मतलब खतरनाक है, नाम से याद ही नहीं होता, और इसमें से बाहर से प्रश्न पूछेंगे तो ये तो भाई नाइंसाफी हो जाएगी। तो थिंग इज दिस कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपका पेपर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही आएगा, इसमें कोई भी दोराय नहीं है, कोई भी शक नहीं है, और आप अपने प्रिपरेशन पे बिल्कुल इस वक्त शक मत करिए। अगर थोड़े से भी विचलित हो जाएंगे, तनिक से भी विचलित हो जाएंगे, 1% भी विचलित हो जाएंगे, तो मेरा दावा है कि आप अपने लक्ष्य से विचलित हो जाएंगे, आप अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से विचलित हो जाएंगे। आपको विचलित नहीं होना है, सिर्फ इसी पेस में, इसी रफ्तार में पढ़ाई करना है, इन सारे चीज़ों से बिल्कुल दूर, कोसों दूर होके। मैं आपको बताऊंगा कि एनटीए ने क्या चेंज किया है बिल्कुल प्रैक्टिकली, ताकि आप समझ पाएं। तो एनटीए ने क्या कहा है कि जो मॉर्फोलॉजी और मूवमेंट एंड लोकोमोशन के चैप्टर्स हैं, इनसे हम प्रैक्टिकल के क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, प्रैक्टिकल के क्वेश्चन पूछेंगे। जो प्रैक्टिकल, जो 12th क्लास जो बच्चे होते हैं, जो बोर्ड में अपीयर होते हैं, जो प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन पूछेंगे। अभी प्रैक्टिकल का माजरा क्या है, तो आप देखेंगे कि एनसीईआरटी की अलग अलग बुक होती है, मतलब बुक इन द सेंस कि एनसीईआरटी पे जो वैसे तो अलग अलग बुक अवेलेबल भी है, तो एनसीईआरटी पे जो है ना कोड रहता है, उससे स्कैन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, राइट। तो जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, जो कि मैं आप सबको करा ही चुका हूँ अनअकैडमी पे, उसके अलावा एनसीईआरटी के प्रैक्टिकल्स की बुक आती हैं। तो आइए मैं बुक आपको दिखाता हूँ जल्दी जल्दी से। ये देखिए, जो चैप्टर 7 है, जो मॉर्फोलॉजी का बुक है, ये देखिए बिल्कुल वही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसे पढ़ के देखते हैं एक बार, फिर आपको रियलाइज होगा कि फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, है ना, स्टोरेज ऑफ फूड में स्वीट पोटैटो, टर्निप, कोन, धनिया, एस्परजिलस, सारा सेम वही है बेटा, ठीक है, सारा अलग है। ये नोड्यूलेटेड रूट है जो लेग्यूम प्लांट में मिलता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। बताओ इसमें कोई नई बात है क्या, कोई भी नई बात है क्या? ये देखिए, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए ये रूट ऑफ बनियान ट्री है, ठीक है, गैसीज एक्सचेंज के लिए नेमेटोफोर है, राइजोफा में पाया जाता है, सबको पता है, ठीक है। तो इस ये पूरा है, ये एक्सरसाइज है, फिर से स्टोरेज ऑफ फूड के बारे में, वेजिटेटिव प्रोपिग्यूज के बारे में बताया गया है। तो एवरीथिंग इज सेम, आप सब जानते हैं, रनर, ऑफसेट, ये सब जानते हैं, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है इवन, है ना। तो ये सारा चीज़ एक्सरसाइज 9 में देखिए, इन्होंने प्रोटेक्शन पे बताया है कि ये स्पाइन होता है जो मॉडिफिकेशन होता है, कैक्टस में मिलता है, रेस्पिरेशन को कम, ट्रांसपिरेशन को कम करता है, एवरीथिंग यू नो, है ना।
तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ना इसको क्या करता हूँ कि इस सारे स्लाइड्स को सारा मैंने डाउनलोड कर लिया है, सब डाउनलोड किया है, सारे स्लाइड को मैं आपको भेजूंगा। ये देखिए इन्फ्लोरेंसेस क्या आपको नहीं पता है, रेसिमोज क्या होता है, साइमोज क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, ये तो बुक में बनाया हुआ है यार, ठीक है। तो ये पूरा एनसीईआरटी है, तो इसको मैं आपको दे दूंगा। देखिए मूवमेंट एंड लोकोमोशन, अगर आप मेरे नोट्स देखेंगे और जो मैं अभी करा रहा हूँ आजकल एक मिनट में, 15 मिनट में एक चैप्टर, तो ये सारा चीज़ मैं बताऊंगा। ये सब चीज़ मैंने बताया ही है कि यू शेप होता है, क्या होता है, ये देखिए वर्टेब्रल कॉलम को पता है आपको, है ना, तो सारा चीज़ है, रिब्स के बारे में आपको पता है। तो ये सारा मैं आपको अपने टेलीग्राम के ऊपर दे दूंगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ये सारा पीडीएफ मैं वहां शेयर कर दूंगा, आप पीडीएफ से एक बार रीड कर लीजिएगा, मेरा दावा है कि आपको पहले से ही आता है। तो इन सारे चक्रों में नहीं पढ़ना है, आप अपने पेस को, अपने स्पीड को ऐसे ही बरकरार रखिए, बेहतर तरीके से पढ़िए, और इसी बार सिलेक्शन लेना है तो लेना ही है। थैंक यू सो मच।